बिहार में जदयू से अलग होते ही उपेंद्र कुशवाहा खुलकर मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकलेंगे। 28 फरवरी से चंपारण के ऐतिहासिक बापू आश्रम से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा समस्या के समाधान के लिए नहीं बल्कि व्यवधान के लिए है। नीतीश कुमार जी की बात, अब हमारी बातों का असर किस रूप में होता है? जिस दिन हमने पार्टी अनाउंस किया उसी दिन जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, नीतीश कुमार जी की बातों से ठीक उलट। नीतीश जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि अगला तेजस्वी यादव, और ललन सिंह जी ने कह दिया, आप लोगों के सामने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमने नहीं कहा है। और फिर कल किस तरह से उनको अपना वापिस लेना पड़ा, ललन सिंह जी को अपनी बात वापिस लेनी पड़ी और उनको भी कहना पड़ा कि नहीं नहीं नीतीश जी ने जो किया है कहा है वही सच है। और उधर से फिर तलवार निकाल ली आरजेडी के लोगों ने, उन लोगों ने कहा कि कैसे हो सकता है, और उसी का परिणाम था ललन सिंह जी ने जो कहा मुख्यमंत्री जी के बयान से उलट, उसी का परिणाम था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को 2-2.5 घंटा तक इंतजार करना पड़ा, उसी का असर था। तो इसलिए हम जो कुछ भी कहते रहे हैं वह तो अब साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। लोग भले बातों में न स्वीकार करें या आज स्वीकार करके कल वापिस हो जाए अलग बात है, लेकिन डील तो पक्की है। डील अगर नहीं पक्की है तो बताएं ललन सिंह जी उनको क्यों वापिस लेना पड़ा स्टेटमेंट, उनको क्यों कहना पड़ा नीतीश जी ने जो कहा वही सही है, किस परिस्थिति में बयान दिए और क्यों वापिस लेना पड़ा बताएं। और फिर आरजेडी के लोग, आरजेडी के कई लोग विधायक लोग, अब उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं